पर पड़ा है। शहीदों की अंतिम विदाई की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो देश के आंसू और आक्रोश को बयां कर रही हैं। आज भी देश के चार हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून से आई, जहां मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा माहौल भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन सीमा फक्र से चौड़ा। हर कोई केवल इस शहादत का बदला चाहता है। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर कब तक ये शहादत और पाकिस्तान की कायराना हरकत को कब तक बर्दाश्त करेगा भारत। दूसरी तस्वीर मेरठ की है, जहां सीआरपीएफ जवान अजय कुमार को आखिरी विदाई देने के लिए पूरा मेरठ उमड़ पड़ा। सवाल वही थे, माहौल वही था, आखिर कब तक। तीसरी तस्वीर हरियाणा के रेवाड़ी से आई, जहां सिपाही हरि सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा रेवाड़ी सड़कों पे आ गया। गम और गुस्से की वही तस्वीर है जो देहरादून में दिखी, वही तस्वीर रेवाड़ी में भी नजर आई। तीन तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 14 फरवरी को आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए और उसका पहला बदला कल लिया सेना ने, लेकिन क्षति हमारी सेना को भी पहुंची। चार जवान मेजर सहित चार जवान शहीद हो गए और आज अंतिम विदाई दी गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शायद इन तस्वीरों को शब्दों में बयां करना किसी के लिए भी आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी की आंखें नम है। देश के वीर सपूतों ने देश के नाम अपनी जान दे दी, लेकिन हर किसी के जुबान पे हर कोई बस यही कह रहा है कि ये शहादत कब तक, कब पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाएगा। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं देहरादून की, जहां शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा देहरादून सड़क पर उतर आया। हर कोई मेजर की अंतिम विदाई में शामिल होना चाहता था, हर कोई मेजर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पार्थिव शरीर तक पहुंचना चाहता था। इन सबके बीच मेजर की अंतिम विदाई की एक तस्वीर, जिसने पूरे देश को अपनी ओर खींचा। इस आंसू और आक्रोश से भरे माहौल के बीच एक पत्नी जो अपने शहीद पति के पार्थिव शरीर के पास चुपचाप खड़ी थी और बार उसके शरीर को छूकर एक ही बात कह रही थी, मेजर आई लव यू। ये तस्वीर देश को हिलाने के लिए काफी थी, ये तस्वीर पूरे देश को झंझोर रही थी। 34 साल के मेजर ढोंडियाल कल पुलवामा में हुए एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए थे। मेजर ढोंडियाल की शादी को महज 10 महीने ही हुए थे। जल्द ही उनकी एनिवर्सरी होने वाली थी और उसके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनकी पत्नी दिख रही है इसमें, अपने आप को संभाले हुए है किसी तरीके से, चूम रही है पार्थिव शरीर को अपने पति के, क्योंकि इसके बाद रह जाएंगी तो बस तस्वीरें और यादें। अंतिम विदाई जब दी गई, जब तिरंगे में लिपटा हुआ वो ताबूत घर पहुंचा, तो हर जगह मातम का माहौल था, हर जगह सन्नाटा था और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। 10 महीने पहले मेजर ढोंडियाल की शादी हुई थी, उनकी पति निकिता कॉल कर रो रो कर बुरा हाल था, फिर भी किसी तरीके से खुद को समझाया और आज पूरे देश को उनकी शहादत पे गर्व है। इस बात पे गर्व है कि जैश के मास्टरमाइंड को मार गिराया। कल 100 घंटे तक चला यह एनकाउंटर और इसकी अगुवाई की मेजर ढोंडियाल ने, जिन्होंने कल देश के नाम अपनी जान दे दी, वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे साथ रतन नेगी जुड़ गए हैं। रतन, शायद आज किसी के लिए भी कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है, इन तस्वीरों को बयां करना शब्दों में मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसे मैं उनकी पत्नी को देख रही हूँ, मेजर ढोंडियाल की, खुद को संभाले हुए किसी तरीके से, आज जब तीन वीर सपूतों के जो पार्थिव शरीर है तिरंगे में लिपटे हुए, जब उनके घर पहुंचे, किस तरीके का माहौल था वहां पर।
अब देखिए निश्चित तौर से माहौल पूरा गमगीन यह माहौल था। यहाँ चारों तरफ शहीद विभूति ढोंडियाल अमर रहे के नारे यहाँ पर लगातार लग रहे थे और उनकी पत्नी की दाद देनी होगी, निकिता जी की दाद देनी होगी कि जिस तरह से बिना आंसू को उन्होंने, भगवान जाने कैसे उन्होंने अपने आंसू को रोका और अपने पति के जिस ताबूत में वो तिरंगे में लिपट कर आए थे उसको माथे से यहाँ पर चूमा और उनको आई लव यू विभू तक उन्होंने बोला और हिम्मत बांध रखी और सैल्यूट यहाँ पर उन्होंने अपने जाबाज अपने मेजर अपने पति को यहाँ पर सैल्यूट दिया और काफी देर तक वो सैल्यूट देती रही, जय हिंद वो बोलती रही और अपने आंखों के अंदर ही उन्होंने अपने आंसू को रोक डाला। इसी तरह पूरे देहरादून की अगर जनता की बात की जाए तो नेशनल रोड पर पूरी जनता उनके घर के बाहर यहाँ पर मौजूद रही। शहीद विभूति ढोंडियाल जी अमर रहे के नारे यहाँ पर लगातार लगते रहे जब तक उनका पार्थिव शरीर सजे ट्रक से जो उसकी यात्रा निकली, अंतिम यात्रा यहाँ से निकली, हरिद्वार के लिए रवाना हुई। हरिद्वार में भी हरिद्वार की जनता ने उनका यहाँ पर श्रद्धांजलि उनको अर्पित की, उनका यहाँ पर भव्य जिसे कह सकते कि भव्य तरीके से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी। जोश के साथ उन्होंने कहा कि शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल अमर रहे, उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये शहादत जो रही वाक्य में निश्चित तौर से देवभूमि उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो मेजर चित्रेश बिष्ट की शहादत की चिता जली, उनकी आग भी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी कि मेजर विभूति ढोंडियाल की दुखद खबर यहाँ पर आई कि पुलवामा मुठभेड़ में इनकाउंटर में वो वीरगति को प्राप्त हुए। और उसके बाद से देवभूमि उत्तराखंड की अगर जनता की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी बात यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जिस तरह से हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं? पाकिस्तान जो ये कायराना हरकत हमारे देश के साथ कर रहा है इसके लिए हमारा हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान को माफ नहीं करेगा। हम पूरे देशवासियों के साथ यहाँ पर पूरी अपनी एसोसिएशन की ओर से शहीदों के परिवार के साथ खड़े हैं और शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं। तो शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देहरादून में लगातार दी जा रही है। तमाम ये लोग हैं जो उत्तराखंड की जनता है वो कह रहे हैं कि शहादत यहाँ पर हो रही है हमारे जवानों के, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या कुछ कहेंगे सर? भारत सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अब तो इन लोगों को अब तो ऐसा दिल नहीं है, अब सोचने का टाइम है ही नहीं है। आप तो भारत सरकार पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर उत्तराखंड की जो जनता है वो यही कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर अब कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड की अगर हम बात करें, मोहनलाल रतूड़ी जी हैं, वीरेंद्र बिज जी वो पुलवामा में शहीद हुए, उसके बाद मेजर चित्रेश बिष्ट और अब मेजर ढोंडियाल, तो देवभूमि उत्तराखंड यहाँ पर काफी उनके दिलों में दिमाग में गुस्सा है, आंखें उनकी नम है और वो यही मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब लगातार यहाँ पर बड़ा एक्शन लेना होगा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी आप लगा। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हम सुन सकते हैं। रतन हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिल्कुल जनता में रोष है, आक्रोश है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, पर तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आखिरी विदाई दी गई हमारे वीर सपूतों को। आज तिरंगे में लिपटा हुआ ताबूत जब आया तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि गर्व था घर वालों को, पूरे देश को, गांव वालों को और पूरा जन सैलाब उमड़ गया उस अंतिम विदाई में। लगातार निकिता कौर जो पत्नी थी मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की, वो पार्थिव शरीर के सामने खड़ी रही, चूमती रही और आखिरी दर्शन अपने पति के किए, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ रह जाएगा तो बस वो यादें और तस्वीर। 10 महीने पहले शादी हुई थी उनकी और अब कुछ ही समय में एनिवर्सरी थी जिसके लिए काफी ज्यादा उत्साहित थे, लेकिन कल हुए एनकाउंटर में उन्होंने देश के नाम अपनी जान दे दी। कल सेना को इंटेलिजेंस एजेंसी से ये जानकारी मिली थी कि एक बिल्डिंग में कुछ आतंकी छिपे हैं और उसी के बाद उन्होंने उस बिल्डिंग को घेरा। एनकाउंटर 100 घंटे तक चला और इसमें 3 आतंकी ढेर कर दिए हमारे सुरक्षा बलों ने। लेकिन दुख की बात यह थी कि हमारे भी 5 जवान इसमें शहीद हो गए, एक मेजर सहित, और आज अंतिम विदाई दी गई। ये तस्वीरें आंखों को नम कर देने वाली है। शायद इन तस्वीरों को शब्दों में बयां करना किसी भी व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। आपको दिखा रहे हैं एक तरीके से राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई और दूसरी तरफ परिवार वाले इस अंतिम विदाई में शामिल हुए। परिवार के साथ साथ पूरे जन सैलाब के साथ आखिरी विदाई दी गई मेजर ढोंडियाल को।
हमारे संवाददाता रतन हमारे साथ इस पे जुड़े हुए हैं। रतन, आज हमने देखा इमरान खान ने तो पलड़ा झाड़ दिया अपना, कहा कि पाकिस्तान को आप सबूत दीजिए, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। इससे पहले तो हमने कितनी बार सबूत दिए, क्या कुछ हुआ, और लगातार हमारे जवान मरते जा रहे, अपनी शहादत दे रहे, कब तक चलेगा ये? लोगों में रोष है, लोगों में गुस्सा है। देखिए, उत्तराखंड की जो जनता है वो कह रही है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो पेशी यहाँ पर की है, जो अपनी बात यहाँ पर रखी है, वो सिर्फ उनकी गेदड़ भक्ति है। वो लगातार यहाँ पर हमसे जवाब मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने 70,000 जवान खो दिए, लेकिन वो खुद सबूत मांग रहे हैं, जबकि सबूत तो हाँ, भारत ने कई बार सबूत यहाँ पर दिया है पाकिस्तान को कि किस तरह से भारत पर आतंकवाद का फैलाने का काम लगातार पाकिस्तान कर रहा है। उनके तमाम अगर आतंकवादियों की बात की जाए, उन्हें पनाह कहाँ से मिल रही है? वो पाकिस्तान की जमीन में रह रहे हैं, वहीं का खाना खा रहे हैं, वहीं का पानी पी रहे हैं। अगर आर्थिक स्रोतों की बात की जाए तो वो भी वहीं से मजबूत हो रहे हैं। और आज पाकिस्तान भारत को कह रहा है कि सबूत दीजिए। आज पाकिस्तान भारत को यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर जंग होगी तो उसका अंजाम बुरा होगा, ये जंग होगी तो और लंबी जाएगी, जंग हल नहीं, आप डायलॉग कीजिए, आप बातचीत कीजिए। भारत तो हर बार बातचीत करता है, क्या लगता है आप लोगों को? भारत तो हर बार पाकिस्तान से बात करता है, लेकिन फिर इमरान खान जिस तरह से बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पीएम, वो कहते हैं कि हम हर जंग के लिए तैयार है। हाँ, जंग के लिए तैयार है। हम तो इसको बताएंगे ना, जब हमारी आर्मी काम करेगी, हमारी वाइफ और तीनों सेना काम करेगी, तो वो उसका जितना हमारा यूपी उतना तो सारा पाकिस्तान है, वो तो विश्व के मानचित्र में दिखाई नहीं देगा। ऐसे हाल करेंगे हम लोग। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान से अब बात करने का कोई समय नहीं रह गया है। जैसे वो कायराना हरकत दिन प्रतिदिन कर रहा है, हम 40 नहीं 400 अपने शहीद कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। क्या कहेंगे आप? हमें पाकिस्तान को इस दुनिया से हटाना ही पड़ेगा। हमें पाकिस्तान के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हम एक एक पाकिस्तानी को चुन चुन कर मारने का हौसला रखते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं दुनिया के सभी देशों से आग्रह करूंगा कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करें और जल्द से जल्द सब मिलकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान का नामो निशान मिटा। आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी देशों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, ये उत्तराखंड की आवाज निकल रही है। उत्तराखंड ये कह रहे हैं कि अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो सभी देशों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, और पाकिस्तान के पीएम की जो गीदड़ भक्ति है उससे भारत डरने वाला नहीं। भारत की जनता यहाँ पर तैयार है। वो कहती है कि जो है गुस्सा है, बिल्कुल लोगों में गुस्सा है। रतन, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है, लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देहरादून के दो वीर सपूतों ने जान दे दी देश के लिए, तभी देहरादून के लोग नारेबाजी कर रहे हैं। पूरा देश एक सुर में यही कह रहा है कि अब पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाए। तो चलिए, देहरादून के मेजर ढोंडियाल ने देश के लिए जान दे दी, तो यूपी के मेरठ के रहने वाले अजय कुमार ने सर्वोच्च बलिदान दिया। मेरठ जिले के बासा टीकरी गांव के लाल अजय कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। उनकी शहादत पर मेरठ के लोगों को गर्व है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी है, रोष भी है, आक्रोश भी है कि आखिर कब तक हमारे देश के ये वीर सपूत देश के लोगों को जान देते रहेंगे? आखिर कब तक ये खूनी मंजर सबके आंखों के सामने आता रहेगा? पुलवामा का आतंकी हमला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, उस खूनी मंजर को देखकर हर किसी की आंखें भर आई। सरकार से यही अपील करूंगी कि मेरे बेटे का बदला जल्दी से जल्दी लें, और मेरे बेटे को अपना माँ से तो एक ही तारीख में मिलकर गया था वापस। परसों भी अपने बेटे से बात कर रही थी, मेरा बेटा इसके यही कह रहा था, मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आखिरी बार 9:30 बजे बात करी रात। ठीक है, बस यही कह रहा था, मम्मी मैं ऑपरेशन पे जा रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, सुबह बात करूंगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जन सैलाब उमड़ आया, और चाहे गांव वाले हो, परिवार वाले, नेता, सब इस जनसैलाब में अंतिम विदाई का हिस्सा बने। पाकिस्तान के खिलाफ जन के नारेबाजी की और हर किसी की आंखें नम थी। 14 फरवरी को आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हुए, और उसके बाद कल अपने साथियों की मौत का नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत, और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।
पुलवामा हमले के बाद देश में गुस्सा है, लोगों की भावनाएं उबाल पर हैं, हर तरफ केवल पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। इस बीच सीमा पर हमारी और जब घर पर तिरंगे में लिपटा हुआ वो ताबूत आया तो शायद हर किसी की आत्मा को झंझोर देने वाला वो लम्हा था, हर किसी की आंखें नम थी और शब्दों में बयां करना बेहद ही मुश्किल। घर वालों का रो रो के बुरा हाल, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर एक स्वर में बस यही कह रहा है कि हम नमन करते हैं और इस बात की कसम लेते हैं कि भारत अपने वीर सपूतों की शहादत को बर्बाद नहीं जाने देगा, बेकार नहीं जाने देगा, बदला जरूर लिया जाएगा। जन सैलाब आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। उनका अखा लाइफ है तो चलिए एक बार फिर से आपको तीन गमगीन तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर देहरादून से, दूसरी मेरठ से, तीसरी रेवाड़ी से, जहां अंतिम विदाई दी गई, जन सैलाब उमड़ आया। इस जन सैलाब में हर कोई इसका हिस्सा बना, चाहे वो परिवार था या गांव था, शहर में रहने वाले लोग, अधिकारी, नेता। और जैसे ही तिरंगे में लिपटे हुए काबू देहरादून, मेरठ और रेवाड़ी पहुंचे तो हर जगह पर मातम पसर गया। देश के एक और बेटे रेवाड़ी के हरि सिंह को भी लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। रेवाड़ी के राजगढ़ गांव के रहने वाले हरि सिंह पुलवामा एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए। हरि सिंह सेना में ब्रिगेडियर थे। तीन बहनों के इकलौते भाई हरि सिंह की 2 साल पहले शादी हुई थी, उनका 10 महीने का एक बेटा भी है। 28 दिसंबर को छुट्टी के बाद वो नौकरी पर लौटे थे। हमले से एक दिन पहले उन्होंने पत्नी से बात की थी। हरि सिंह की अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में लोग जुट गए अंतिम विदाई देने के लिए। ब्लैक नेचुरल अब सिर्फ 30 रुपए में। आर्मन ऑयल युक्त नो